हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें टेक्स्ट फाइल में डाटा कैसे लिखना है। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h void main करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हुए हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं, rno, नेम, मार्क्स। rno इंटीजर टाइप का है और नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का है। नेम वेरिएबल में ज़्यादा से ज़्यादा 40 कैरेक्टर्स आएंगे, और जब भी नेम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं उसके साथ स्क्वेयर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें बताने होते हैं। तो ये ध्यान रखें, जब भी करेक्टर टाइप का वेरिएबल लें तो साथ में स्क्वेयर ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जरूर लिखें। और फिर हमने मार्क्स वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का, जिसमें कि फ्रैक्शनल टाइप का डाटा रखा जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, हम इन वेरिएबल्स में जो डाटा रखेंगे उसको एक फाइल में रखना चाहते हैं, इसलिए हमने एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल लिया है एफ। हमने फाइल पॉइंटर वेरिएबल लिया है। पॉइंटर वेरिएबल को हमेशा स्टार से डिक्लेयर करना है फाइल के, और जब भी इसको डिक्लेयर करना है तो इसकी डेटा टाइप, इसका कीवर्ड जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, FILE, फाइल को कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये एक एफ एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें एक फाइल स्टोर की जाएगी। ओपन करके रखेंगे अब हम फाइल को। एफ में एफ ओपन फंक्शन के साथ हम program.txt नाम की फाइल को एफ वेरिएबल में रखेंगे। एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, program.txt फाइल को ओपन करेगा और एफ वेरिएबल में रखेगा। एक का मीन है ऐड करने के लिए, डाटा को ऐड करने के लिए। और जब भी डाटा रखा जाएगा इस फाइल program.txt फाइल में, वो फाइल के एंड में रखा जाएगा। और अगर इस फाइल में पहले से डाटा रखा होगा तो वो डाटा भी रहेगा और नया डाटा भी आ जाएगा। अब हम रोल नंबर एंटर करा रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि रोल नंबर एंटर कराएंगी। जो भी रोल नंबर एंटर किया जाएगा उसको आरएनओ में रखा जाएगा, आरएनओ वेरिएबल में रख दिया जाएगा। फिर हम नेम एंटर करा रहे हैं। जो नेम एंटर होगा वो एनएमई नेम वेरिएबल में रखा जाएगा। और इसी तरह तीसरे नंबर पे हमने मार्क्स एंटर कराए हैं, स्कैन एफ परसेंटेज एफ परसेंट मार्क्स के साथ। जो मार्क्स एंटर होंगे वो MARKS वेरिएबल में रखे जाएंगे। और अब तीनों वेरिएबल्स में हमारे पास डाटा इस तरीके से आ जाएगा। और इस वेरिएबल्स में रखे हुए डाटा को हम फाइल में रखना चाहते हैं, तो फाइल में डाटा रखने के लिए एफ प्रिंट एफ फंक्शन है। एफ प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है, आरएनओ नेम और मार्क्स के डाटा को एफ फाइल पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एफ प्रिंट एफ लिखेंगे राउंड ब्रैकेट, फिर फाइल पॉइंटर वेरिएबल का नाम बिना स्टार के एफ जैसे हमने लिखा है, फिर कॉमा डाल के फॉर्मेट स्पेसिफायर, तीनों के रोल नंबर का पहले, फिर नेम का फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर मार्क्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर डबल कोट एंड करके कॉमा डाल के तीनों वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। इस तरह से एफ प्रिंट एफ फंक्शन रोल नंबर, नेम, मार्क्स के डाटा को program.txt फाइल में जाके लिखेगा। और एफ क्लोज एफ फंक्शन है जो कि लिखे हुए डाटा को सेव करेगा और फाइल को क्लोज करेगा। एफ क्लोज फंक्शन क्या करता है, जो फाइल हमने ओपन की है फाइल पॉइंटर वेरिएबल में उसमें डाटा को सेव करेगा और फाइल को क्लोज करेगा। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल देन हैव ए नाइस टाइम और कीप ऑन वॉचिंग आर चैनल। थैंक यू।